सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सैर सैयद को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्पाइसी फ्राइड चिकन। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिए, एक चिकन है, उसके छोटे पीसीस हैं इतने बड़े। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1/2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और धनिया जाएगा, हरी मिर्ची डालेंगे हम 4, और ऑयल डालेंगे 1/2 कप से कम। और इसमें जो भी चीज़ें जाएंगी मैं स्टेप बाय स्टेप बताती भी जाऊँगी। अदरक लहसुन, ये सारे मसाले डाल देंगे हम इसमें। और इसे मिक्स कर देंगे। हम इसे छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। ये देखिए जी, मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ। मैंने 1/2 कप से कम मैंने ऑयल डाला है। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें, अदरक डाल देंगे चॉप की हुई, इसमें हम डाल देंगे चिकन। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए। ये हमने इसको फ्राई कर लिया 2 मिनट। अब मैं इसको ढक दूंगी। ढक के हम इसे लो फ्लेम पे, दम से ऊंची वाली आंच पे पकाएंगे कि ये अपने ही पानी में पक जाए। अभी हम इसे छोड़ेंगे 10 मिनट लो फ्लेम पे। ये देखिए जी, हम खोल के देखते हैं। ये देखिए इसमें कितना पानी आ गया। इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं डालता। अब मैं आँख तेज़ करके इसका पानी ड्राई कर लूँगी। देखिए जी, इसका पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, साबुत जीरा कुटा और भुना, ये डाल देंगे हम इसमें। अदरक डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, और प्याज। हम इसे मिक्स करेंगे। और इसे ढक के 2 मिनट में दम पे रखूंगी, फिर इसके बाद डिश आउट करते हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये हमारा हो गया, चूल्हा बंद करेंगे। थोड़ी सी प्याज मैंने और डाल दिए ताकि खड़ी खड़ी रहे प्याज।
ये देखिए जी हमने निकाल लिया, हम इसको साफ कर देंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी प्याज, और लेमन जूस, ये देखिए जी इसमें हमने लेमन जूस डाल लिया थोड़ा सा। प्याज काट के मैंने वाइट विनेगर में भिगो के रखी थी और वो मैंने पकते वक्त भी डाली और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया। ये देखिए बहुत मज़े का स्पाइसी बना है। स्पाइसी वगैरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा कुकिंग विद सहर सैयद, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है वो भी देखेगा। और व्हाट्सअप नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सहर सैयद को। और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। इस चैनल पे आपको बहुत इजी आसान रेसिपी मिलेगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है इसमें, तो ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।